उस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही लोग देते हैं, भरोसा जिन पे होता है। कहना है कि तेरा झूठा मोह जगत में, अरे तो तेसे बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। बताया है कि दुश्मन कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अपना इंसान तुम्हें कभी उभरते देख नहीं सकता। भैया तेरा झूठा मोह जगत में, तो तेसे बोली है मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचते रहना। और वो मैना समझा करके बोलिए तोते से के सुनो, श्री राम हुए वनवासी, अपनों से धोखा खाया, वो माता भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। भगवान श्री राम के लिए अगर मैया केकई वनवास नहीं देती तो शायद भगवान को वन नहीं जाना पड़ता। लोगों वो माता भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। और सौंदर सब आनी जानी माया, सुख है तो दुख भी सहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से हुए अवतारी, जने जन्म जेल में पाया, मामा ही दुश्मन बन गया था, अपना नहीं पराया। भगवान कन्हैया के लिए जमाना जानता है भाइयों। अगर कंस भगवान से दुश्मनी नहीं करता तो शायद भगवान को मथुरा छोड़ करके गोकुल नहीं जाना पड़ता। मामा ही दुश्मन बन गया था, अपना नहीं पराया। को जेल भेजवाया, जन बहन को जेल भेजवाया, ना माना किसी का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना।
बेटे से सुनो, तेरा झूठा है मोह जगत में, तेरे से बोलियो मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचते रहना। और रावण विद्वान हुआ था, अरे अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था, जन सारा भेद बताया। लंकापति रावण को जमाना जानता है, अगर भीमसेन भगवान राम की ओर नहीं जाता तो शायद एक रावण मारा नहीं जाता। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था, जन सारा भेद बताया। और प्रहलाद ने धोखा खाया, भक्त प्रहलाद के लिए जितनी मुसीबत देखने को मिली वो अपने पिता के द्वारा मिली। प्रहलाद ने धोखा खाया, पद गया अग्नि में दहना, गैरों से मतलब क्या है, सौभे अपनों से बचते रहना। झूठा मोह जगत का, तो ऐसे बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचते रहना। अपनों से दगा करेगा वो सात जन्म भोगेगा, तू किस पर करे भरोसा, उड़ जाएगा हंस तेला। दुनिया का झूठा मेला, दुनिया का है झूठा मेला, है ये कृपाल का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचते रहना। जगत में तोते से बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचते रहना। बोल समाधि बाबा।